स्वागत है दोस्तों आपका द कार लीग चैनल में। आज हम आपके लाए होंडा CRV, बहुत ही लेस ड्रिवन। आज हम स्टॉक कवर करेंगे सान्या मोटर्स का। ये उनके ओनर है, फाउंडर हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रीतेश नंदा। कहाँ पड़ता है सर अपना शोरूम? ये अशोक विहार मिल जाएगी। तो इनके पास लग्जरी कार होती है, लेस ड्रिवन। आज आपको उनका स्टॉक कवर करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, स्क्रैचलेस कार है, ऑल ओरिजिनल पेंट की। ये आप देखिए साइड प्रोफाइल कार का पेंट कंडीशन देखिए आप, शाइन देखिए कार में। ये बैक प्रोफाइल है कार का। ऊपर 4 लीटर का इंजन आता है इसमें, 4 व्हील ड्राइव के साथ है ये कार, पेट्रोल में। ये आप राइट साइड से कोई लुक देख सकते हैं कार का। इसके अंदर हमको आगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं लो बीम पे, और हाई बीम पे हेलोजन लाइट्स, फॉग लैम्प्स भी हैं इसके अंदर। ये देखिए आप, आओ इंटीरियर की तरफ चलते हैं कार के। पहले आप टायर देखिएगा एक बार, मिशलिन के टायर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये सनरूफ भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कार में। रूफ की कंडीशन देखिए, कोई डेंट्स नहीं है कार में। इंटीरियर की तरफ चलते हैं। ये देखिए आप, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है कार की। ये देखिए आप लेदर की कंडीशन, सीट्स की इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाती है हमें यहाँ पर, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है सीट्स की। स्टीयरिंग की कंडीशन देखिए आप। आइए पीछे चलते हैं। पीछे की सीट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये जो रिंकल आपको दिख रहे हैं नई कार के अंदर भी आते हैं। इस सीट का लेदर इस तरीके का है। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। ये आप अलॉयस की कंडीशन देखिए, टायर्स की कंडीशन देखिए, स्क्रैचलेस अलॉयज हैं, ब्रांड न्यू लग रहे हैं टायर्स भी। काफ़ी कम चली हुई कार है ये, अराउंड 21,000 किलोमीटर्स। ये देखिए आप टायर्स की कंडीशन अच्छे से। इसके अंदर में 225/65/17 इंच के टायर मिलते हैं मिशलिन के। आइए बूट देखते हैं कार की। काफ़ी अच्छी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है हमें यहाँ पर, एकदम क्लीन कंडीशन में है। आइए स्पेयर व्हील देखते हैं। स्पेयर व्हील भी अलॉय मिलता है इस कार में हमें, सेम मिशलिन ब्रांड में। आप इसकी भी कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने को 4 व्हील की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने को नीचे राइट साइड पर। ये देखिए आप, यहाँ पर CRV की ब्रांडिंग की कुछ इस तरीके की, एकदम ब्रांड न्यू की है दोस्तों, आप देखिए। आइए इंटीरियर के शॉर्ट देखते हैं थोड़े बहुत। ये कपड़े देखने को मिल जाते हैं हमें यहाँ। सनरूफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कार चली है एग्जैक्टली कितनी। ये हमें यहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ऑडियो के, वॉल्यूम वगैरह के, और ये क्रूज कंट्रोल है। पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं इस कार में हमें। ये वाइपर कंट्रोल्स, आप कंडीशन देखिए बटन्स की, ये इकोनॉमी कंट्रोल, हेडलैम्प वॉशर और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन। आप एकदम क्लीन बटन है यहाँ पर, आप देखिए कोई भी इसके अंदर हमें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते हैं यूज़ के। ये ऑडियो सिस्टम मिल जाता है हमें और इसकी क्लैरिटी देख लीजिए। काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिल जाती है हमें यहाँ पे साउंड सिस्टम की। आइए अदर फीचर देखते हैं कार के अंदर। यहाँ पर हमें कार की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सारी लिंक्ड है यहाँ पर स्टीरियो सिस्टम से। ये देखिए आप, ये कुछ सेटिंग है, ये कैमरा सेटिंग है रियर कैमरा की। इसके अंदर हमें एडाप्टिव गाइड लेंस का रियर कैमरा मिलता है 3 व्यूज़ के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये देखिए आप, यहाँ पर ऊपर भी एक हमें छोटी एमआईडी देखने को मिल जाती है, जिसके कंट्रोल हमारे स्टीयरिंग व्हील पर हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर भी कुछ कार के फीचर्स हमें एडजस्ट करने को मिल जाते हैं, जैसे कि लाइटिंग वगैरह, डोर्स के अनलॉक वगैरह का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ये एसी कंट्रोल है। आप कंडीशन देखिए दोस्तों एक बार बटन्स की, कहीं भी कोई वेट नहीं है बटन, एकदम ब्रांड न्यू कार है। डुअल जोन एसी मिल जाता है हमें यहाँ पर। ये इसका गियर शिफ्टर स्पोर्ट्स मोड के साथ। यहाँ पर आपको वुडन फिनिश मिल जाती है, कप होल्डर्स के साथ, एक पावर आउटलेट, चाबी रखने की जगह और स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आता है इसके अंदर। इसके अंदर भी कुछ पोर्ट्स हैं हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड की कंडीशन देखिए, ये सनरूफ यहाँ पर हमें मिल जाती है आगे की तरफ, ऑटो डिमिंग IRVM के साथ। यहाँ पर सनरूफ के कंट्रोल है, ये देखिए अगर ऑटो डिमिंग को बंद करना है तो। चलिए दोस्तों एक बार कार को चला के देखते हैं क्या फील है कार की। लाइट्स ऑन कर लेते हैं इंटीरियर की, अभी डी में चलाते हैं। कार काफ़ी स्मूथ फील हो रही है। यहाँ पर ग्रीन हो जाती है MID अगर आप आराम से चलाते हैं तो, फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से। कोई भी कार में रैटलिंग नॉइस या कोई नॉइज़ नहीं आ रही है इंटीरियर की या सस्पेंशन की, बहुत स्मूथ चल रही है कार। एक बार स्पोर्ट्स मोड में डाल के चलाते हैं, थोड़ी भगा के देखते हैं। बहुत अच्छी भाग रही है दोस्तों ये कार, बहुत जल्दी 80 की स्पीड पकड़ ली थी ऑलमोस्ट इसने। आप जी में डाल देते हैं, काफ़ी स्मूथ और प्रीमियम फील हो रही है, काफ़ी हैवी कार फील हो रही है। तो ये इसका कुछ बैक लुक है। अगर आपको ये कार परचेज करनी है तो आपको आना होगा सान्या मोटर शोरूम पे अशोक विहार। या कुछ लुक देख सकते हैं कार की, शाइन, और कितनी अच्छी शाइन है यहाँ पे कार की। आइए इसकी डील जानते हैं एक बार सान्या मोटर्स के ओनर से। इनका फ़ोन नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। 2017 है, 2.4 है, ऑल व्हील ड्राइव, फर्स्ट ओनर है। कितनी चली हुई है गाड़ी? चली है अराउंड 21,000 चली है। और इसका आस्किंग प्राइस? आस्किंग इसका 18.5। और जैसा कि सर ने बताया इनकी सान्या मोटर्स शॉप है अशोक विहार में, आप विजिट कर सकते हैं। सारी लेस जोन कार्स हैं और मोस्टली कार फर्स्ट ओनर, 90% फर्स्ट ओनर, सारी फर्स्ट ओनर कार्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन में वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर के पास। तो अगर आपको आना है तो आप कॉल कर सकते हैं और स्टॉक के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं।